नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ राजपूत वंश से संबंधित एक बहुत ही छोटा वीडियो, हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। दोस्तों इससे पहले हम राजपूत वंश को डिटेल में बता दिए, लेकिन हम बताए थे कि एक शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें प्रमुख राजपूत वंश है उसका संस्थापक के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले थोड़ा पीछे का इतिहास देखते हैं कि राजपूत वंश का उत्पत्ति या उदय कैसे हुआ था। तो दोस्तों राजपूत वंश की उत्पत्ति या उदय पर इतिहास में विवादास्पद है, इसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी दिया नहीं गया है, लेकिन बहुत सारे विदेशी एवं भारतीय इतिहासकार के द्वारा इसके विषय में कि राजपूत वंश का उत्पत्ति कैसे हुआ है इसके विषय में बहुत सारे अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत को हम लोग देखेंगे। दोस्तों क्या हुआ कि जब गुप्त वंश के पतन के बाद अर्थात वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन का मृत्यु जब 647 ईस्वी में हो जाता है, उसके बाद 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अर्थात 700 से 1200 ईस्वी के बीच में भारत में कुछ नए राजवंशों की उदय होती है, जिसे हम लोग राजपूत वंश के नाम से जानते हैं। और ये राजपूत वंश भारत में अचानक कहां से उभरे और शासन करने लगे इसके बारे में इतिहास में कोई कन्फर्म जानकारी नहीं है, लेकिन अनेकों इतिहासकार के द्वारा इसके विषय में अनेक सिद्धांत दिया गया है। दोस्तों राजपूत काल या राजपूत वंश मुख्य रूप से 7वीं से 12वीं शताब्दी तक चला, अर्थात 700 से 1200 ईस्वी के बीच के काल को ही राजपूत काल के नाम से जानते हैं। किसी किसी बुक में आपको 800 से 1200 बीच मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ा हम लोग पीछे की इतिहास जाने कि राजपूत वंश का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो दोस्तों चंद बरदाई के जैसे एक इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार है चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज राशों के रचना किए थे चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी इतिहासकार, दरबारी कवि या पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे, तो उनके द्वारा कहा गया कि राजपूत वंश का उत्पत्ति अग्निकुंड के द्वारा हो गया, अग्निकुंड के द्वारा हुआ था। अब अग्निकुंड क्या है दोस्तों? तो क्या हुआ था कि ऋषि वशिष्ठ गौतम अगस्त ने जब भारत पर दुष्टों एवं दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया, तब ऋषि वशिष्ठ गौतम अगस्त ने माउंट आबू पर्वत पर, जो वर्तमान में राजस्थान में है, तो माउंट आबू पर्वत पर जाके एक महायज्ञ किए थे, और उस यज्ञ के अग्नि से चार वीर योद्धा का उत्पत्ति हुआ था। चार वीर योद्धा निकले थे, कौन दोस्तों? गुज्जर प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य, ये चार वीर योद्धा उस अग्नि से निकले थे, और यही योद्धा आगे चल के राजपूत वंश कहलाए और राजपूत शासक कहलाए। उसके बाद कुछ जैसे विदेशी इतिहासकार है दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड, इनके द्वारा कहना है कि सिथियन जाति था एक विदेशी जाति, वही भारत आए और भारत में राजपूत वंश कहलाए, राजपूत शासक बने। उसके बाद कुछ दोस्तों जैसे भारतीय इतिहासकार है गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, सीवी वैद, दशरथ शर्मा, इनके द्वारा कहा गया कि जो राजपूत वंश थे वह आर्यों के ही वंशज थे, आर्यों के ही जाति आगे चल के राजपूत वंश कहलाए। उसके बाद एक और इतिहासकार थे भारतीय इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, इनके द्वारा कहा गया कि जो राजपूत वंश था वो और कोई नहीं था, वो ब्राह्मणों के ही वंशज थे जो आगे चल के राजपूत वंश कहलाए। अब दोस्तों इनके अलावा भी कुछ इतिहासकार थे जिनका कहना था कि जो राजपूत वंश थे वह सूर्यवंश एवं चंद्रवंश इन्हीं के वंशज थे, सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी के वंशज थे। अब सूर्यवंशी कौन थे दोस्तों? श्री रामचंद्र के जो वंशज थे उसे सूर्यवंशी कहा गया, कृष्ण के जो वंशज थे उसे चंद्रवंशी कहा गया। इसके अलावा कुछ और यह जानकारी दोस्तों 8वीं से 9वीं सदी में जो अभिलेख प्राप्त हुए एवं कुछ इतिहासकार है उनके द्वारा यह कहा गया था। इनके अलावा भी कुछ इतिहासकार थे, उनका कहना था कि जो विदेशी थे वह भारत में आए थे और भारत की संस्कृति से मिलजुल कर और भारत की संस्कृति में ही अपना रूप बना लिए और वही आगे चलकर राजपूत वंश के रूप में उत्पन्न हुआ उनका। लेकिन दोस्तों ये राजपूत वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई अभी कंफर्म जानकारी नहीं, लेकिन इन्हीं सब के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ और किस इतिहास के द्वारा क्या कहा गया। अब दोस्तों थोड़ा हम लोग पीछे के इतिहास के ओर चलते हैं। पीछे के इतिहासकार दोस्तों क्या देखेंगे कि मैप के द्वारा, अभी इस मैप के द्वारा थोड़ा समझिए दोस्तों, इस मैप में थोड़ा देखिएगा कि राजपूत वंश का उत्पत्ति और भारत में जब राजपूत वंश का शासन था तो कहाँ पे किस राजपूत वंश का शासन था। दोस्तों यहाँ मैप में थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे गुजरात में गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन था, उसके बाद गुजरात में चालुक्य वंश का भी शासक था, अजमेर में दोस्तों चौहान वंश का शासक था,
दिल्ली में तोमर वंश का शासन अनंत पाल का था, जो बाद में बताए थे दोस्तों कि तोमर वंश का शासक जो अनंत पाल था उनके निसंतान था, उसके पास कोई पुत्र नहीं था, तो वह अपना शासन व्यवस्था जो था वह पृथ्वीराज चौहान को दे दिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान उनका नाती था, अर्थात तो उसकी पुत्री से उनका शादी, पृथ्वीराज चौहान के पिता का शादी हुआ था। इस तरह से जो पृथ्वीराज चौहान, जिसे हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, तो अनंत पाल का नाती था और अनंत पाल के पास कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए अपना शासन पृथ्वीराज चौहान को दे दिए। तो इस तरह से दिल्ली में और अजमेर में दोनों जगह चौहान वंश का शासन हो गया था। तो इस मैप में भी देखिए दोस्तों, चौहान वंश का शासक दिल्ली और अजमेर में, इसीलिए मैंने इस तरह से इसमें लिखा। उसके बाद कन्नौज पर गहरवाल वंश का शासन था दोस्तों। मालवा में दोस्तों देखिए परमार वंश का शासक था, जहां उसका राजधानी था धार नगरी। तो इस तरह से राजपूत वंश में जो उस समय का शासन था भारत में, इस तरह से चल रहा था। अब दोस्तों इसके पीछे का थोड़ा इतिहास देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि भारत पर प्रथम इस्लामिक आक्रमण, या भारत पर प्रथम बार जो अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था सिंध क्षेत्र पर, तो दोस्तों क्या था कि जब भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ तो उसका उद्देश्य क्या था, साम्राज्य विस्तार करना, धन प्राप्त करना और अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो दोस्तों 711 में अब्दुल्ला आया था, उसके बाद बुदैल नामक व्यक्ति आया, जो कि उनका आक्रमण असफल रहा। फिर 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम भारत के सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किए थे, जो ईरान के हकीम, या हकीम उस समय गवर्नर भी कहा जाता था, तो ईरान के हकीम अल हजाज से आज्ञा लेकर जो मुहम्मद बिन कासिम थे 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किए थे। उस समय सिंध का जो राजा था वह चच का पुत्र राजा दाहिर था। तो ये अरबों का प्रथम सफल आक्रमण रहा था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 712 ईस्वी में आया था अल हजाज का आज्ञा लेकर। फिर उसके बाद दोस्तों इसी में इस्लाम धर्म का उदय होता है, जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था हीरा नामक गुफा में, तथा इनकी मृत्यु दोस्तों 632 ईस्वी में हुआ। इसी में दोस्तों जैसे देखे थे इस्लाम धर्म के उदय में पिछला चैप्टर में कि हिजरी संवत का शुरुआत होता है। हिजरी संवत क्या है? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी को इसका शुरुआत पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया। क्या हुआ था दोस्तों कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा किए थे, और इसी दिन से 24 सितंबर 622 ईस्वी को दोस्तों मक्का से मदीना की यात्रा किए, और इसी दिन से एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, जिसे हम लोग हिजरी संवत के नाम से जानते थे। उसके बाद बताए थे दोस्तों कि हिजरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाए। खलीफा कौन थे? तो मुसलमानों के, मुस्लिम साम्राज्य का जो राजनीतिक एवं धार्मिक गुरु होते थे उसे ही खलीफा कहा जाता था। और मुस्लिम साम्राज्य में शासक बनने के लिए इन्हीं से आज्ञा लेकर शासक बनना पड़ता था, और इसलिए आगे चलकर सुल्तान बनने के लिए जो खलीफा से आज्ञा लेना पड़ता था, इसलिए आगे इसी को सल्तनत काल के रूप में जाना गया, जो आगे सल्तनत काल में हम बताएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों महमूद गजनवी आता है आक्रमण करने, जिनका शासनकाल 998 से 1030 के बीच में चलती है, जो कि गजनी साम्राज्य का एक प्रमुख शासक था। दोस्तों गजनी वंश को हम लोग गजनी वंश, यामनी वंश या तुर्क वंश के नाम से भी जानते हैं। इस वंश का संस्थापक था अलप्तगिन नामक एक तुर्क सरदार, जो अबुल मलिक का दास था दोस्तों। इसके बाद महमूद गजनवी का जन्म 1 या 2 नवम्बर 971 ईस्वी को होता है, 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को इनका मृत्यु हो जाता है अफगानिस्तान में। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे प्रमुख आक्रमण किए थे हिंदुस्तान में, भारत में आके दोस्तों, जैसे 1025 ईस्वी में प्रमुख आक्रमण किए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र पर, जो सोमनाथ मंदिर को लूटे थे और वहां से एक प्रमुख शिवलिंग जो बहुत कीमती था लूट के ले गए थे। तो इनका दोस्तों उद्देश्य था कि भारत में आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में आक्रमण करना और उस यहाँ से धन लूट कर अपने गजनी साम्राज्य के शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना, इसका शासन करना उद्देश्य नहीं था। उसके बाद दोस्तों आता है फिर आगे मुहम्मद गोरी, जो संसवानी वंश का एक शासक, प्रमुख शासक था। संसवानी वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन हसन करता है, और जब मुहम्मद गोरी आता है भारत में आक्रमण करता है, तो प्रथम आक्रमण मुल्तान पर करता है 1175 ईस्वी में दोस्तों, जो कि उस समय जो वर्तमान में मुल्तान अभी पाकिस्तान में, तो प्रथम आक्रमण रहता है मुल्तान पर, जो कि सफल रहता है। उसके बाद दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया 1191 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है।
पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में, तो इसे मुहम्मद गोरी विजय हो जाता है। इसमें क्यों, इसमें जयचंद जो रहता है ये कन्नौज का शासक, जयचंद गढ़वाल वंश का शासक, इसमें पृथ्वीराज चौहान का मदद नहीं करता है। क्यों मदद नहीं करता है दोस्तों, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान जो रहते हैं वह जयचंद की पुत्री को स्वयंवर से उठाकर उनसे अपहरण करके प्रेम विवाह कर लिए थे। इसलिए गढ़वाल वंश का शासक जयचंद और अजमेर के शासक या दिल्ली के शासक चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच संबंध नहीं अच्छा था। यही कारण जब 1192 ईस्वी में जब गोरी ने तराइन के क्षेत्र में जब तराइन का द्वितीय युद्ध करता है तो उसमें यह जयचंद मदद नहीं करता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, उसको बंदी बना लिया जाता है और वह हार जाता है। उसके बाद दोस्तों चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध जो चंद्रबाद नामक गांव में हुआ था यूपी के फिरोजाबाद में, जो एक ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जो मुहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में होता है। जयचंद हार जाता है और इस तरह से उसके बाद दोस्तों मुहम्मद गोरी का जो सेनापति था या गुलाम था या दास था, दोनों कह सकते हैं, वो क्या करता है 1206 में, उसके बाद दोस्तों 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है और संपूर्ण भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है, जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों गोरी का मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गया और उसी के बाद उसका सेनापति जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह गुलाम वंश की स्थापना करता है और पूरे भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों राजपूत वंश में थोड़ा सती प्रथा का शुरुआत हो जाता है, सती प्रथा का प्रचलन था, जौहर प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा क्या दोस्तों, जब किसी स्त्री की जब पति मर जाते थे तो वह सीता के साथ उनको जलना पड़ता था उनके साथ बैठ के। उसके बाद जौहर प्रथा में दोस्तों क्या था कि दूसरे आक्रमणकारी के द्वारा अगर उसके पति को मार दिया जाता था तो उसको स्त्री को उसकी पत्नी को उसके साथ चिता में जलना पड़ता था। उसके बाद सामंतवाद का भी प्रचलन राजपूत काल में अत्यधिक रूप से हुआ। अब दोस्तों थोड़ा देखते हैं राजपूत वंश और उसके प्रमुख राजपूत वंश और उसका संस्थापक और उसका कौन प्रमुख शासक था। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों पहला है गुज्जर प्रथा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अग्निवंश से उत्पत्ति है उसका पहले पढ़ेंगे। पहला है दोस्तों गुज्जर प्रतिहार वंश, इस वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम और राजधानी था दोस्तों प्रारंभिक राजधानी उज्जैन और उसके बाद कन्नौज हुआ। इसका प्रमुख शासक था वत्सराज, मिहिर भोज और यशपाल। दोस्तों गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में पिछली वीडियो में बताया थे कि इस वंश का आरंभ कैसे हुआ था, तो माना जाता है कि राम का अनुज जो लक्ष्मण था उसी के जो वंशज था वह गुज्जर प्रतिहार वंश के रूप में जाना गया। तो राम का दोस्तों गुज्जर प्रतिहार, देखिए गुज्जर एक जाति था और प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, तो जो राम के लिए द्वारपाल का कार्य करते थे वही लक्ष्मण का वंशज था जो गुज्जर जाति के था, वही आगे चल के गुज्जर प्रतिहार अर्थात प्रतिहार का मतलब द्वारपाल, जो राम के लिए द्वारपाल का काम करता था यही गुज्जर प्रतिहार वंश के नाम से प्रचलित हुआ था। अगला है दोस्तों परमार वंश, देखिए जिसका शासन क्षेत्र था मालवा का क्षेत्र था, इसका संस्थापक है उपेंद्र सिंह या किसी किसी बुक में आपको कृष्ण राय भी मिल जाएगा। इसका प्रारंभिक राजधानी था उज्जैन और उसके बाद इसका राजधानी धार नगरी भी हुआ जो मध्य प्रदेश में। उसके बाद इसका प्रमुख शासक रहा राजा भोज दोस्तों, सियक या श्रीहर्ष इसका प्रमुख शासक था। उसके बाद दोस्तों आता है गढ़वाल वंश, इसका कन्नौज क्षेत्र था इसका कन्नौज क्षेत्र में शासन था, संस्थापक था चंद्रदेव, इसका प्रमुख शासक था दोस्तों जयचंद, जयचंद की पुत्री को बताए थे जो पृथ्वीराज चौहान ले गए थे स्वयंवर से अपहरण करके शादी किए थे। उसके बाद दोस्तों यही जयचंद के चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 में जयचंद एवं मुहम्मद गोरी के बीच, शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी के बीच, जो कि यूपी के फिरोजाबाद में और चंद्रबार नामक गांव में युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसे चंदावर के युद्ध के रूप में जानते हैं, चंदावर का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश को सोलंकी वंश के नाम से जानते हैं, इसका संस्थापक है दोस्तों मूलराज प्रथम, राजधानी है अनहिलवार गुजरात में दोस्तों, शासक इसका प्रमुख शासक रहा भीम प्रथम, जय सिंह, सिंधराज। उसके बाद दोस्तों आता है चौहान वंश, चौहान वंश का संस्थापक है वासुदेव, राजधानी है दोस्तों इसका अजमेर, शासक हुए प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान, इसका प्रमुख शासक रहा, इसका शासन क्षेत्र था दोस्तों अजमेर क्षेत्र। उसके बाद एक प्रमुख वंश था राष्ट्रकूट वंश, जिसका संस्थापक था दंती दुर्ग, राजधानी था नासिक दोस्तों, इसका प्रमुख शासक हुआ ध्रुव
और कर्क द्वितीय इसका प्रमुख शासक था और अंतिम शासक के रूप में भी कर्क द्वितीय को जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों है चंदेल वंश, इसका इसका शासन क्षेत्र था बुंदेलखंड। इसका दोस्तों संस्थापक इस वंश का था नन्नूक, राजधानी था खजुराहो, शासक था प्रमुख शासक धंगदेव, विद्याधर, गंडदेव। उसके बाद दोस्तों है पाल वंश, पाल वंश का दोस्तों इसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक चला। इसका संस्थापक था गोपाल। उसके बाद दोस्तों इसका शासक प्रमुख शासक था धर्मपाल, महीपाल प्रथम, देवपाल इसका प्रमुख शासक था। एक दोस्तों था, इसी में हम बताए थे पिछला वीडियो में कि त्रिराष्ट्रीय संघर्ष हुआ था या त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था दोस्तों, कन्नौज पर विजय के लिए तीन राजपूत राजवंश आपस में टकरा गए थे, आपस में युद्ध लड़ लिए थे। कौन कौन दोस्तों, तो यही गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक था वत्सराज, उसके बाद ये राष्ट्रकूट वंश के शासन था ध्रुव, और पाल वंश के शासक था धर्मपाल। ये तीनों आपस में त्रिपक्षीय संघर्ष में टकराए थे कन्नौज पर विजय के लिए। तो सबसे शक्तिशाली था दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव, जो कि प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज एवं धर्मपाल दोनों को पराजित कर दिया, उसके बाद दक्षिण की ओर चला गया। तो मौका देकर गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज ने क्या किया कि पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया और स्वयं कन्नौज पर विजय स्थापित कर लिया। इस तरह से इसी को हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानते हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल में जैसे 1206 में गुलाम वंश का स्थापना करता है, उसके बाद इसी में बाबर के बारे में पढ़ेंगे, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सल्तनत काल थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन आपको जरूर समझ में आएगा, हम शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा।